एस की अनुप्रिया पटेल को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री बनाया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है। अनुप्रिया पटेल का जन्म 29 अप्रैल 1981 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। वे सोनेलाल पटेल की बेटी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना दल पार्टी की स्थापना की थी। उनके पिता सोनेलाल पटेल एक प्रसिद्ध राजनेता और समाज सेवी, वहीं उनकी माँ कृष्णा पटेल एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अनुप्रिया पटेल ने लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर विमेन और छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय से शिक्षा हासिल की है। उनके पास मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री है और वे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। अनुप्रिया पटेल ने अपने पिता सोनेलाल पटेल के नेतृत्व में राजनीति में कदम रखा था। अक्टूबर 2009 में अपने पिता के निधन के बाद उन्होंने अपना दल एस पार्टी की कमान संभाली और इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 2012 में वे वाराणसी में रोहनिया निर्वाचन क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सदस्य के रूप में चुनी गईं। अनुप्रिया पटेल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर से सांसद के रूप में जीत हासिल की। 2016 में उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया। 7 जुलाई 2021 को उन्हें भारत के वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। अब 2024 में मिर्जापुर से जीत हासिल कर वे मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री बन गई हैं। अनुप्रिया की शादी आशीष सिंह पटेल से हुई है, जो खुद भी एक पॉलिटिशियन है। दंपति की 2 संतानें हैं। अनुप्रिया पटेल न केवल एक राजनीतिज्ञ हैं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाओं को लागू किया है। वे हमेशा से समाज सेवा में सक्रिय रही हैं और विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनपीजी न्यूज़।